वेलकम फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सार्कोफ्रोल सिरप के बारे में। सार्कोफ्रोल सिरप की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, जैसे कि इसके यूज़, डोज, बेनिफिट और साइड इफ़ेक्ट के बारे में। अगर आपको शारीरिक कमजोरी, मानसिक कमजोरी, विटामिन की कमी जैसी कोई भी समस्या है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सार्कोफ्रोल सिरप एक पोषक पूरक सिरप है जिसमें कैल्शियम ग्लूकोनेट 360 mg, काले कैल्सीफ्रोल 400 IU, साइनोकोवालामिन 15 mcg, फेरिक अमोनियम साइड्रेट 100 mg, फोलिक एसिड 1.5 mg, नियासिनामाइड 45 mg होता है और इस सिरप को एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। आइए अब जान लेते हैं इस सिरप के उपयोग के बारे में। इस सिरप का उपयोग मुख्य रूप से शारीरिक और मानसिक कमजोरी, विटामिन की कमी, खून की कमी जैसी विभिन्न प्रकार की समस्याओं को ठीक करने के लिए इस सिरप का यूज किया जाता है, जैसे कि खून की कमी, शारीरिक और मानसिक कमजोरी, थकान, तनाव, इम्यूनिटी वीक, मांसपेशियाँ कमजोर, गर्भावस्था में खून की कमी, मसल्स और हड्डियाँ कमजोर, वजन का घटना जैसी शरीर की विभिन्न प्रकार की कमजोरी को ठीक करने के लिए इस सिरप का यूज किया जाता है। अगर आपको शारीरिक और मानसिक कमजोरी, खून की कमी या इनसे जुड़ी कोई भी समस्या है तो आप इस सिरप का यूज कर सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं इस सिरप के कुछ नॉर्मल से साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इस सिरप के कुछ नॉर्मल से साइड इफ़ेक्ट नज़र आ सकते हैं, जैसे कि जी मचलाना, दस्त, कब्ज़, पेट दर्द जैसी कुछ नॉर्मल समस्याएं नज़र आ सकती हैं। वैसे ये नॉर्मल समस्याएं अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। अगर ये समस्याएं ठीक ना हो तो इस सिरप का यूज करना बंद कर दें और अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। आइए अब जान लेते हैं इस सिरप की डोज के बारे में। इस सिरप की डोज वैसे तो आप अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार लें, क्योंकि इसकी डोज आयु, लिंग और समस्या के हिसाब से दी जाती है। जैसे कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए 15 ml सुबह शाम गर्म पानी या दूध के साथ यूज कर सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं इस सिरप की MRP के बारे में। इस सिरप की MRP है 200 ml। सिरप आपको 197 रुपये में हर मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। आशा करता हूँ आपको सार्कोफ्रोल सिरप की संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। मेडिसिन नॉलेज से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।